डैड मैं स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ, आप मुझे प्लीज स्कूल छोड़ देंगे जल्दी से? तुझे पता है जब मैं तेरी एज का था, मैं रोज सुबह 4 बजे उठता था, 4 बजे, 4 बजे उठने के बाद मैं नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ने के बाद मैं जाता था गाय का दूध निकालता था, दूध निकालने के बाद मैं उनको चारा डालता था, चारा डालने के बाद मैं उनको गोबर साफ करता था, और फिर आता था घर लस्सी बनाता था, दूध की लस्सी बनाकर अपने बहन भाइयों को पिलाता था, लस्सी पिलाने के बाद मैं पूरा घर साफ करता था, फिर मैं जाता था स्कूल। और तुझे पता है मेरा स्कूल कितना किलोमीटर दूर था? 200 किलोमीटर दूर था, 200। तुझे 200 तक गिनना भी आता है? और मैं रोज 200 किलोमीटर दूर पैदल जाया करता था। और तुझे पता है मैं अपनी टीचर से पहले स्कूल पहुंचता था, वो बाद में आती थी। और तुझे पता है और टॉप पर थे, मेरी गलती होगी, माफ कर दे, सॉरी, मैं खुद चला जाता था। अबू क्या हुआ बेटा? अबू मैंने जो है ना क्लास में टॉप की है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए मैंने, 98%। शाबाश बेटा, सुन रही हो ना? आखिर बेटा किसका है? मेरा, मुझ पे गिया है खून, है मेरा खून, इसीलिए इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए। आप पर नहीं गिए है, बिल्कुल मुझ पे गिया है, बिल्कुल अपनी माँ पर गिया है। शाबाश बेटा। बेटा आज जो तेरा दिल करे तुम मुझसे मांग। अबू अबू मैं जो हूँ ना वो एग्जाम में फेल हो गया। सुन रही हो ना, तुम्हारा बेटा तुम पे गया है, तुमने इसे अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया, संभालो इसे, मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझ पे गया है? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम पर गए, तुम्हारा बेटा है ये, तुमने अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ा, संभालो इसे तुम। मैं नहीं जानता इसे। डैड आज कुछ खाने का दिल कर रहा है मेरा। अच्छा बेटा, बता क्या खाएगा, जूता खाएगा या थप्पड़ खाएगा? मेरा मतलब बाहर से कुछ स्पेशल। अच्छा, स्पेशल खाने का दिल कर रहा है। बेगम बाहर से जरा मेरा जूता लेकर आना। अच्छा नहीं, सॉरी।